हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की जो वीडियो स्पेशली है विंटर केयर के बारे में, कि हम अपने नन्हे मुन्नों की विंटर में किस तरीके से केयर करें। स्पेशली जब बहुत छोटा बच्चा होता है, हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि हम इस तरीके से किस तरीके से हम इसको बात दें, डेली नहलाएं या नहीं नहलाएं, गर्म पानी से नहलाएं या सिंपल पानी से नहलाएं, कितना गर्म होना चाहिए, कौन सा मॉइस्चर यूज़ करें, क्या साबुन यूज़ करें, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। साथ ही साथ विंटर में बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है और बच्चों के जो चीक्स हैं वो फट जाते हैं। आपने यहाँ पे देखो देखा होगा बच्चों की मोस्टली स्किन यहाँ से क्रैक हो जाती है, नोज़ फट जाती है, लिप्स फट जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हम वरिड होते हैं कि हम करें क्या, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने नन्हे बच्चों की त्वचा को लेकर। स्पेशली आपने देखा होगा जो बच्चों के चीक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, यहाँ से क्रैक हो जाते हैं। आप देखोगे कि अलग से उनके निशान आपको दिखाई देंगे, नोज़ है, लिप्स है, यहाँ से भी क्रैक हो जाते हैं। तो बच्चे जब भी कुछ भी खाते पीते हैं या दूध भी पीते हैं तो उनको वो बहुत ज़्यादा मीन्स उनको चुभन होती है, लगती है, बच्चे इरीटेट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कमेंट बॉक्स पर मैंने पढ़ती हूँ, जो कि आप मुझे करते हैं कि मैम हम बच्चों के फेस के लिए क्या करें, कौन सा सोप यूज़ करें, कौन सा मॉइस्चराइजर हम यूज़ करें, किस तरह से हम बच्चों को केयर करें। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जो क्वेश्चन आप मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि मैम बच्चों को हम डेली नहलाएं नहीं नहलाएं सर्दियों के मौसम में, तो यदि आपका बच्चा किसी भी तरह से मीन्स उसको कफ हो रहा है, उसको स्नीजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रनी नोज़ हो रही है, गला बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि बच्चा सांस ले रहा है, तो सकड़ सकड़ की आवाज़ आ रही है, मीन्स उसकी चेस्ट ब्लॉक है, यहाँ पर गले में भी जब वो बोल रहा है या कुछ भी सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ऐसी अगर बच्चे की कंडीशन है तो मैं आपको बिल्कुल यही बोलूँगी कि आप बच्चे को रेगुलर उस समय बाथ ना दें, क्योंकि उससे उसकी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। ठीक है, अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में आप उसको डेली बाथ दे सकती हैं। डेली बाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चा साफ सुथरा रहता है, बैक्टीरिया भी नहीं रहते, बच्चा हाइजीन एकदम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती ऐसी कंडीशन में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप रेगुलर नहलाओगे तो वो बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके बच्चे के साथ है कि आपका बच्चा नहलाते ही बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है या उसके रनी नोज हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने बच्चे को वीक में 3 और 4 डेज़ आप नहला सकती हैं, यानी एक एक दिन का या 2 दिन का गैप दे के आप बच्चे को नहला सकती हैं, रेगुलर मत नहलाइए। लेकिन आपका बच्चा फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हाँ महीने में या 2 महीने में उसे सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को आप रेगुलर बाथ दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कि आप पूछा जा रहा है कि मैम बच्चे को कितने गर्म पानी से नहलाएं, क्या गर्म पानी सेफ़ रहता है बच्चे के लिए। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि सर्दी है, बच्चे को खूब अच्छे गर्म पानी से नहला दो, गर्म पानी भी क्या करता है, त्वचा को रूखा बनाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी बच्चे को नहलाने के लिए नहीं लेना है, आप ऐसा टेम्परेचर वाला पानी लीजिए कि बच्चे की बॉडी एकदम सॉफ्ट रहे। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें ऑलिव ऑयल के कुछ ड्रॉप डाल सकते हैं, जो भी आप पानी यूज़ कर रहे हैं हल्का वार्म वाटर लें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी त्वचा को रूखा बनाता है। ठीक है, वो भी सेफ़ नहीं है बच्चे के हेल्थ के लिए, तो हल्का गुनगुना पानी लेना है और बच्चे की ऑल ओवर बॉडी एकदम मॉइस्चराइज रहे, क्रैक ना रहे, बच्चे को इचिंग ना हो, खुजली ना हो, क्योंकि एक तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऊपर से विंटर क्लोथ भी स्किन में क्या करते हैं, इचिंग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को जब भी बात दे रहे हैं तो हल्का गुनगुना पानी, और उसमें आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, और आप उसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल दें जिससे कि ऑल ओवर बॉडी मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। अब मैं बात करूँगी कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, आपको क्या करना है, बच्चे को नहलाने से पहले आधे घंटा या 1 घंटे पहले आप अच्छी तरह से बच्चे की ऑयल मसाज कर दीजिए। ऑयल मसाज से क्या होगा कि बच्चे की स्किन में ऑयल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा और नहाने के बाद उसकी जो त्वचा है वो एकदम फटी फटी रुकी रुकी नहीं रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। ठीक है, सर्दियों में आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहता है, आप घी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहता है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कुछ मार्केट में जो सरसों का तेल मिल रहा है वो स्किन को काला कर देता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो भी आप मसाज के लिए ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इन सब तेलों से
अपने बेबी की मसाज कर सकते हैं नहलाने के पहले। इसके बाद जब आप अपने बच्चे को बाथ दे देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई भी ममा अर्थ का बॉडी लोशन आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। आप कोकोनट ऑयल से भी बच्चे को मसाज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन आप कोई भी मॉइस्चर बच्चे को नहलाने के बाद भी लगाएं, नहलाने से पहले भी आपको बॉडी मसाज करनी है और आफ्टर बाद भी आप अपने बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। फेस के लिए मैं आपको स्पेशली बताऊंगी कि आप कम से कम दिन में 3 बार क्या करें, जब भी आपका बच्चा उठता है तो हल्के गुनगुने पानी से बच्चे की स्किन को अच्छे से स्पंज कर दें। स्पंज करने के बाद आप कोकोनट ऑयल लें, बहुत अच्छा रहता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत बढ़िया रहता है। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, उससे बच्चे की अच्छे से फेस मसाज करें तो उससे जो भी उसके क्रैक चीक्स हैं, नोज़ हैं, वो मॉइस्चराइजर हो जाएंगे और बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। सेम आप लिप्स के लिए क्या यूज़ कर सकती हैं, देखिए लिप्स के लिए आप बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के लॉन्ग टाइम तक लिप्स अच्छे रहें तो आपको ये रेगुलर करना है कि बच्चे के नाभि में आपको सरसों का तेल डालना है, आपको ये रेगुलर करना है। अगर आप इसे रेगुलर नहीं करोगे तो कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको ये रेगुलर करना है तो उससे बच्चे के जो होंठ हैं वो एकदम अच्छे रहेंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि घर में जो दूध की मलाई होती है उसको लें और उससे कम से कम एक कुछ सेकंड के लिए बच्चों के लिप्स की आप मसाज करें तो उससे जो ड्राई स्किन होती है वो निकलेगी और बच्चों के होंठ एकदम मुलायम और रेड बने रहेंगे। तो आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जो भी आप घी निकालते हैं तो जो मक्खन होता है उस मक्खन से भी आप बच्चे के होंठों को कर सकते हैं। हनी भी अच्छा रहता है, आप हनी भी लेके बच्चे के होंठों पर रगड़ सकते हैं तो उससे भी बच्चे के होंठ एकदम रेड रहेंगे, पिंकिश रहेंगे और फटेंगे नहीं। तो ये कर सकते हैं आप अपने बच्चे के लिए। अब हम बात कर रहे हैं रात में जब बच्चा सोए तब हम बच्चे के फेस पे क्या लगाएं। तो आप ममा अर्थ का लोशन मैं अपने बेटे के लिए यूज कर चुकी हूँ, करती भी हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। आप जो भी दूध होता है कच्चा दूध उससे भी आप कॉटन से बच्चे के फेस को 15 या 10 मिनट तक रहने दें, फिर हल्के वार्म वाटर से उसे पोंछ दें, फिर उस पर आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। ये दोनों ही ऑयल अच्छे रहते हैं, बच्चे के कलर को भी फेयर करेंगे और जो क्रैक स्किन है उसको भी ये एकदम हेल्दी बना के रखेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। बच्चे को जितना हो सकता है हाइड्रेट रखें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि बच्चे पानी पीना कम कर देते हैं। स्पेशली बच्चे ही नहीं बड़े भी ऐसा करते हैं कि उनकी जो पानी पीने की क्षमता है मीनस हम भूल जाते हैं, हम पीते ही नहीं, ना खुद भी पीते हैं ना ही बच्चों को पिला पीते हैं। तो जितना हो सकता है बच्चे को हाइड्रेट करके रखते हैं, लिक्विड बच्चों को देते रहें जिससे कि उनकी स्किन है और जो भी त्वचा है एकदम फ्रेश फ्रेश रहे, ड्राई नहीं रहे। पानी की कमी होगी तो बच्चों की जो स्किन एकदम सूखी सूखी सुकड़ी सुकड़ी सी होगी और ड्राइनेस आपको अलग से दिखाई देगी। अब लास्ट क्वेश्चन कि ये आता है कि बच्चे को सर से डेली नहलाएं या नहीं नहलाएं। तो चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में सिर्फ 2 या फिर 3 दिन ही आप हेड से शावर बच्चों को दीजिए। अदरवाइज़ आप क्या करें, आप हेड जो शावर कैप आती है वो बच्चे को लगा दीजिए और नेक से लेकर नीचे तक बच्चे को नहला दीजिए। जब आपको लग रहा है कि बच्चे के बाल गंदे हो रहे हैं तो 2 या 3 दिन आप हेड से उसे शावर दीजिए, हेड से नहलाइए, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो। डेली सर से आप नहलाओगे तो नमी बनी रहती है। अगर आप उसे नहला रहे हो तो धूप में ज़रूर बिठाएं फिर, और सर्दियों में ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि डेली डेली धूप निकल रही हो, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो आप हेड से शावर बच्चे को तभी दें जब अच्छी धूप निकल रही हो, ठीक है। दिन में 2 या 3 वीक में 2 या 3 दिन सफिशियंट है, डेली आप हेड से शावर मत दीजिए, ठीक है ना। तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपके मैंने ऑल क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हों। उम्मीद करती हूँ कि आपको सफिशियंट आंसर्स मिल गए होंगे। और बस ध्यान रखिए कि बच्चे को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। आपके आसपास ही बहुत सारे घर में मक्खन है, मलाई है, कच्चा दूध है, ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि आपके बच्चे की त्वचा को, चाहे 0 से लेकर आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के साथ इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपके बच्चे की जो स्किन एकदम खिली खिली रहेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में बच्चों की स्किन डल हो जाती है, बच्चे काले हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप रेगुलर इस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करोगे तो आपके बच्चे एकदम नेचुरल रहेगा, उसका कलर डल नहीं होगा। तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसमें बताई हुई मेरी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।